मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 9 अगस्त 2021 के बाबा के साकार मधु महावाक्य सुनेंगे। उससे पहले आप सभी भाई बहनों की जानकारी में ये बात बताना चाहते हैं कि बाबा के बहुत ही सुंदर सुंदर योग के गीतों का एक कलेक्शन बनाया है। जो भी भाई बहन दिन में अपना कार्य करते हुए इन गीतों को सुनते रहेंगे तो भी हमारी अवस्था बनती है, तो आप सभी भाई बहनें डिस्क्रिप्शन में बताए गए लिंक के अनुसार उस गीतों की लड़ी को सुन सकते हैं, अपना योग अभ्यास बढ़ा सकते हैं, कर्म करते हुए उनको सुनते सुनते अपनी स्थिति बना सकते हैं। तो आप सभी उनको ज़रूर सुने, क्योंकि एक ही जगह पर अच्छी अच्छी गीतों का कलेक्शन तो हमें निर्विघ्न बना देता है। हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि ये गीत ढूंढें वो गीत ढूंढें। तो आप सभी उनको उस कलेक्शन को सुन सकते हैं, बहुत ही मधुर गीतों का कलेक्शन है। तो आए अब मुरली सुनते हैं। आज 9 अगस्त की मुरली है। मीठे मीठे बाप दादा बोले मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। देखो, बाबा ने प्रश्न का पूछा है कि ड्रामा निश्चित है, ये बच्चे जानते हैं, लेकिन ये जानते हुए भी कि ड्रामा का सीन चेंज नहीं हो सकता, फिर भी बच्चों को कौन सा लक्ष्य रखना है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो हम डिस्टर्ब हो जाते कि ड्रामा में ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, हमें पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है। तो बाबा ने कहा है कि फिर भी लक्ष्य रखना है, और कौन सा रखना है। और उत्तर बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ कर गल्प करने का, पुरुषार्थ कर गल्प, उस खाई को भरने का जो एक टेक्निक है वो पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर गल्प करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना, पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। बाबा कहते विनाश से पहले टाइम बहुत थोड़ा है, अब तो अब हमें अपनी अवस्था को बनाना है। ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते ये दोनों कौन कहते हैं, दो बार ओम शांति बोला तो दोनों ने कौन को किस किस ने कहा। तो बाबा कहते एक था बाबा एक था दादा। बाबा कौन और दादा कौन, एक शिव बाबा और एक ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी। अब यह फिर है नई बातें, इसमें एक था बाबा एक था दादा। बाबा कहते एक बाबा एक दादा, तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा और दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं, वह तो है ही हैं। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे, उनको कौन पढ़ाते थे, कौन पढ़ाते थे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं कि बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं और पोतरे भी हैं। शिव बाबा के बच्चे तो सभी आत्माएं हैं और हम खास क्या हैं, हम डबल रोल प्ले कर रहे हैं, हम बच्चे भी और पोतरे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोतरे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने, अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है जिसको शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने कारण उनको हम दादा कहते हैं। देखो, शिव बाबा यानी कि एज अ फादर वो सब आत्माओं का पिता है,
और हम उनको क्या कहते हैं, दादा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की पहली संतान ब्रह्मा, सॉरी शिव बाबा की पहली संतान ब्रह्मा, और ब्रह्मा की आगे मुख वंशावली हम। तो ब्रह्मा हमारा पिता हुआ और शिव बाबा हमारा क्या हो गया, ग्रैंडफादर हो गया ना, दादा हो गया। तो बाबा कहते वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। इसमें ब्रह्मा दादा अर्थात बड़ा भाई, ओके, तो उसका नहीं है, एक तरह से वो हमारा पिता भी है और हमारा बड़ा भाई भी है, क्योंकि शिव की संतान है ना, आत्मा तो है, आत्मा रूप में वो हमारा बड़ा ज्येष्ठ ब्रदर हो गया, ज्येष्ठ भाई हो गया। तो इसमें दादा का भाई के रूप में वर्णन है कि बाबा कहते ब्रह्मा दादा का नहीं, वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से, नीचे उतरते आते हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। बाबा कहते अभी तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हो, कि हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी, ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी, तो पांच विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण, इन विकारों का दान देना है तो ग्रहण छूटेगा, तो ग्रहचारी छूटेगी जो हमें दुख देती है। बाबा कहते है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है, ग्रहचारी तो हम पर बैठती है, हम ही चंद्रमा की तरह कलाएं हमारी कम होती है। तब आप कहते तुम्हारी बात है, लेकिन एग्जाम्पल संसार ने सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं, यहाँ बाप तुमको कहते हैं कि पांच विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी, इन विकारों से ही तुम पापात्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान, पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं, 84 जन्म लिए हैं, यह तो पक्का निश्चय है, बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उनको ही वर्षा मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप वैर समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं, सबका सार बाप वैर समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है, अभी कलयुग और सतयुग का संगम है, लड़ाई भी सामने खड़ी है, यह भी तुमको निश्चय है। क्या निश्चय है, कि सतयुग की स्थापना होती है, कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खलास हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। बाबा कहते ये सब क्यामत का समय है, आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी, यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं, एक तरफ है करोड़ों मनुष्य और दूसरे तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला और दूसरी है रुंड माला, उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है, यह निशानी है। हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे, फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है और 16108 की भी है। बाबा कहते अब 16,000 हैं या 5-10,000 हैं, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता, यह मालाएं गाई जाती हैं। बाबा कहते हैं ये सब तुम क्यों विचार करते हो, इतना क्यों सोचते हो। बाबा कहते जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे, 100 बने या 200-300 बने यह पूछना नहीं है। बाप कहते हैं तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं, सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं, बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहें या 9-10 लाख रहें एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा कहते जब आपकी अवस्था बनती जाएगी आपको ये क्लैरिटी आती जाएगी, बहुत क्लियर विजन आपको आएंगे।
जिसको बाबा ने कहा कि जास्ती साक्षात्कार होगा, जैसा होगा एक्यूरेट आपको वो चीजें पता चलती जाएंगी। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं, सब चीजें महंगी होती जाएंगी, विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सत्युग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा, सब खानियां आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं, लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे, श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं, वहां बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। बाबा कहते अब इसमें नाराज होने की बात ही नहीं, तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, जानते हो ड्रामा अनुसार यह विनाश होना ही है, कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है, तुम भी ड्रामा के वश हो, ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है, ड्रामा में एक मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसा होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर विनाश सामने खड़ा है, अभी तुम गैल्प कर रहे हो। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, यह भी जानते हो तो बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं, वह निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने के लिए। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे, ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे? देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण बनना जरूरी है ना। बाबा कहते ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है, यह तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। बाबा कहते अभी तुम संगम पर राज योग सीख रहे हो, इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है, संगम का ही गायन है, गंगा सागर का मेला दिखाते हैं ना। बाबा कहते वे सब है भक्ति मार्ग का, और यह है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है, वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है, और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। यह नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती हैं, आजकल तो नदियां भी कहां कहां डुबो देती हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है, सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं, यमुना के कंठे पर दैली परिस्थान थी फिर बननी है। बाबा कहते हैं सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं, बेहद का नाटक है। बाबा कहते हैं जिसको अच्छी रीति समझना है, भल कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है यह किसी को पता ही नहीं है। यहाँ 84 जन्म कहाँ 84 लाख। बाबा कहते अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवान उवाच, कृष्ण थोड़े ज्ञान का सागर है, भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, निर्विकारी निरहंकारी रचना रचते हैं बाप। बाबा कहते अभी तुम ऐसे बन रहे हो, वी आर इन द प्रोसेस, हम बन रहे हैं ऐसे। हमारा जो लास्ट फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कौन सी स्थिति होगी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी निरहंकारी स्थिति होगी हमारी। तो खुश हो जाओ।
बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग है ना, गाया भी जाता है। क्या गाते हैं कि भगवान राजयोग सिखलाते हैं और कोई नहीं सिखलाता। वह है निराकार तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। सिखाने के लिए कैसे आएगा, बच्चों के लेवल में आएगा ना। लौकिक में भी एक टीचर बच्चों के लेवल पे आके, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमारी पॉलिसी है ना, तो ऐसे ही बाबा की भी है, चाइल्ड सेंटर्ड। हम बाबा के बच्चे हैं, हमारी स्थिति के अनुसार बाप हमें हमारे लेवल के अनुसार समझाता है। तो हम शरीरों में फंसे हैं तो बाबा को भी शरीरों से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए शरीर में ही तो आना पड़े ना। तो बाबा कहते तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है। कैसे है, उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और किसी का दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। यह भी बच्चों को समझाया है, एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप जिसको भगवान कह याद करते हैं। लौकिक बाप हमारा बायोलॉजिकल फादर, शरीर का पिता, पारलौकिक बाप जिसको हम भगवान कहते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप। बाबा कहते ये फिर वंडरफुल बाप है ये अलौकिक। जब पारलौकिक बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, बीच में यह अलौकिक आ जाता है। अलौकिक का रोल क्या है कि क्योंकि भगवान शरीर की दुनिया में साकारी तन में आएगा, इस तन का आधार लेगा, जिस तन का आधार लेगा वो अलौकिक बाप होगा, वो मिडल मैन होगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने वाला। तो बाबा कहते ये वंडरफुल बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं, क्योंकि सभी आत्माएं कहती हैं कि हम सब ब्रदर्स हैं, तो फादर तो एक ही हुआ। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है, यह ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। जो बाबा के बच्चे हैं, जो कल्प पहले समझे थे, बाबा कहते वही समझ सकते हैं। वह अलौकिक, वह पारलौकिक और यह संगम युग अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं, शरीरों के पिता तो होते ही आए हैं, हर जन्म में आत्मा का अलग पिता था, अलग शरीर था। तो पारलौकिक बाप को वहां कोई याद नहीं करते, भगवान को याद ही नहीं करता, वहां होता ही एक बाप, क्योंकि सुख की दुनिया है, भगवान का किसी को पता ही नहीं। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप दो होते हैं। कौन से बाप, भगवान जिसको हम पारलौकिक कहते हैं कि पार दुनिया में रहने वाला है। तो बाबा कहते हैं तब दो बाप होते हैं और संगम पर तीन बाप हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है अलौकिक बाप ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम उनके बने हो, जानते हो ये अलौकिक बाप है, अभी तुम इन बच्चों इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। क्या याद करते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं, दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं, यह तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में दो बाप होते हैं और इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है, जो तुम इन आंखों से देखेंगे बॉम्ब्स छोड़ेंगे। मनुष्य तो मरेंगे ना, जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे हिरोशिमा नागासाकी में। तो अभी तक वो वहां पर ऐसी जनरेशंस पैदा हो रही हैं जिनमें कोई ना कोई कमी है। बाबा कहते अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं, खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं, 8-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में मीन्स सेकेंड में सब खलास हो जाएगा, चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं, यह तो बॉम्ब्स हैं। बाबा कहते आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए ही हैं स्थापना और विनाश कराने।
तो जरूर यह सब होगा। बाबा कहते पुरुषार्थ करने का भी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धियोग तोड़ देती है। अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं ना हम बच्चों को, कोई तो सारे दिन में घंटा आधा भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो ये सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको, इतना पुरुषार्थ कर। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने ग्रस्त छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते हैं। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना, मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी, तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कि कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। और सेकंड पॉइंट है, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। और बाबा ने हमें वरदान दिया है कि दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो जहां भी जो भी सदा सेवाधारी हैं, वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं, वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपनी देह की स्मृति भी ना हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, इनको अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही बाबा कहते आप और बाप के साथ कंबाइंड रहो। ओम शांति।